ओके सो वेलकम आयुषी. आयुषी गोकानी इज हियर विथ अस टुडे और हॉल ऑफ फेम में हमारे फर्स्ट गेस्ट आयुषी गोकानी है जो हमारी स्टूडेंट है कैनवस टॉक्स की और बहुत अच्छे से उनका रिपोर्ट अभी तक हुआ है. मतलब बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग्स उन्होंने किए हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे. शी इज आयुषी गोकानी. आयुषी आपको इंट्रोडक्शन आपका खुद करिए. I am Ayushi. I am a student. I am in 12th standard. ओके थैंक यू आयुषी. आप कैनवस टॉक्स के बारे में आपने कहाँ से सुना या फिर आपको कहाँ से पता चला कि ये ऑनलाइन क्लासेस है और ये सब चीज उसके बारे में? एक्चुअली वन ऑफ माय कलीग्स टोल्ड मी अबाउट कैनवस टॉक आर्ट स्कूल एंड आई इवन सॉ इट ऑन इंस्टा फेसबुक. फेसबुक पे देखा आपने? ओके फेसबुक पे हमारे एडवर्टाइजमेंट रन होते रहते हैं तो फेसबुक पे भी इन्होंने देखा है और उनके फ्रेंड्स से भी उनको पता चला है. आपको क्या क्या चीज अच्छी लगती है कैनवस टॉक्स क्लास के बारे में? क्या क्या अच्छा लगता है? हमारा अपना टीचिंग जो होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो. एक्चुअली टीचिंग इज वेरी गुड. वी गो स्टेप बाय स्टेप. जैसे हमें सपोज मेमोरी ड्राइंग था तो पहले मैम ने हमें फेसेस सिखाए, टाइप्स ऑफ फेसेस, उसके बाद हेयर स्टाइल्स, फिर आईज, एक्सप्रेशंस. दैट इज व्हाई अ गुड प्रोग्रेस एंड स्टेप बाय स्टेप सब होता है. ओके और हर एक सब्जेक्ट के आपके कितने ड्राइंग्स हुए? आप कुछ ड्राइंग्स दिखाना चाहोगे? आपके आपके पास होंगे तो. या ओके मेरे पास डिजाइन्स है अभी ऑन द स्पॉट दिखाने. ओके श्योर. दिस आर माय लेटेस्ट डिजाइन्स. यस वेरी नाइस. तो डिजाइन में आपको मतलब ये करते वक्त आपको कैसे गाइड किया गया उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? ये कलर थियरी है, डिजाइन है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है आयुषी. जूम करके और दिखाएंगे थोड़ा और. यस वेरी नाइसली डन और बहुत माइन्यूट माइन्यूट यहाँ पे पार्ट्स है इसके. और आयुषी एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एलिमेंट्री आयुषी ने ऑलरेडी दिया है राइट. आयुषी आपको एलिमेंट्री में क्या ग्रेड था? ए ग्रेड था. और अभी आयुषी इज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो ड्रॉइंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है और उसके लिए जो डिजाइन्स बना है वो यहाँ पे शेयर कर रही है. यस आयुषी और कुछ डिजाइन्स दिखाना चाहोगे आप? यस यस वेरी नाइसली डन. थोड़ा जूम करके दिखाइए आयुषी. इसमें आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट भी है और टर्शरी कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है, बहुत अच्छे से किया है. यस वेरी नाइसली डन आयुषी, थैंक यू वेरी मच. और कुछ आप शेयर करना चाहोगे कि आपको ये ड्राइंग्स करते वक्त कैसे लगता है या क्लास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसे होता है? क्लास का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होता है क्योंकि मैम कॉन्स्टेंटली हमें गाइड करते रहते हैं कि हमें कैसे करना है, हमें किस स्टेप्स में जाना है इसके लिए. ओके ओके आप मैम के बारे में मतलब मेरे बारे में कुछ अगर कहना चाहते हो या कंप्लेंट हो या कुछ भी हो मतलब जो आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप शेयर कर सकते हैं. नहीं मैम हमेशा सपोर्ट करते हैं. अगर कुछ गलत गया तो भी मैम अच्छे से समझा के हमें आगे गाइड करते हैं. इसके लिए मैम मैम ने बहुत अच्छे सपोर्ट किया. थैंक यू वेरी मच आयुषी. और कुछ मैसेज देना चाहोगे आप अगर नए कैनवस टॉक्स के स्टूडेंट्स मतलब ज्वाइन होने वाले स्टूडेंट्स जो है उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे इन दो एग्जाम्स के बारे में जिनको पता नहीं है अभी तक ड्रॉइंग एग्जाम्स के बारे में या फिर आपकी तरफ से आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? और ऑनलाइन क्लास मतलब ऐसे होता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि ऑनलाइन आर्ट कैसे सीखा जाता है तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा कि सच में सीखा जाता है आर्ट ऑनलाइन? क्या प्लस पॉइंट्स है ऑनलाइन में सीखने के? ऑनलाइन आर्ट एक्चुअली पहले डिफिकल्ट था बट अभी बहुत इजी है. हम इजीली कोप अप कर सकते हैं अगर हम कंसंट्रेशन से करें तो. एंड एग्जाम्स आर इजी इफ यू हैव अ हॉबी इन इट. ओके थैंक यू. नए स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे क्लास के लिए? इट्स अ न्यू जर्नी, इट विल बी फन इफ यू जॉइन दिस क्लास. यस और आपको क्या लगता है बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इसके अगर क्लास ज्वाइन किए और मतलब विदाउट गाइडेंस और विद गाइडेंस क्या फर्क पड़ता है मतलब जब आप एग्जाम देते हो? विद गाइडेंस इट वुड बी वेरी नाइस क्योंकि हमें एक बैकग्राउंड अच्छे से पता रहेगा, हमें कैसे करना चाहिए वो सब हमें अच्छे से पता रहेगा और हमें सब स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखने को मिलेगा. ओके
और जो भी टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे सरप्राइज टेस्ट लेते हैं हम लोग, तो उसके हाँ बारे में आप क्या शेयर करना चाहते हो कि टाइम के हिसाब से हम हाँ कैसे काम करते हैं? टाइम मैनेजमेंट हमें पता चलता है, हमें पता चलता है कि हमें किस स्पीड से ड्रॉ करना चाहिए, किस स्पीड पे हमें कलर करना चाहिए। और हाँ ओके, और जो भी इन बिटवीन टाइम होता है उसका भी किस तरीके से हमें पॉजिटिवली यूज करना चाहिए, राइट? जो भी हमारे रिसेस हाँ होते हैं या जो भी कलर्स बनाने हैं हमें, तो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए पहले, राइट? कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे। ओके, थैंक यू वेरी मच आयुषी, आप यहाँ पे आए हो और आपका एक्सपीरियंस शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे स्टूडेंट को ये यूजफुल होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन। ओके, थैंक यू बाय।